The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Namaskar, adab, salam, sat sri akal, dosto, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet, aap dekh rahe hain Dr. Education. Dosto, कोरोना वायरस के लिए सीडीसी सेंटर ऑफ डिजीज कंट्रोल डब्ल्यूएचओ और अब हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया की भी गाइडलाइंस आ गई है कि आपको क्या करना है. अगर आपको लग रहा है आप बीमार हो, आपको कोई भी सिम्टम आ रहे हैं तो आपको क्या करना है. लॉकडाउन हो चुका है इंडिया के अंदर बहुत सारे शहरों में, लेकिन ज़रूरत वाली सारी चीज़ें बाहर से लाना अलाउड है. आप बाहर जो हेल्दी है वो बाहर जाके लेकर आ सकते हैं, तो उस चीज़ में आप टेंशन नहीं लेना है. लेकिन अब सवाल पहला हम जवाब देंगे कि जो लोग ये समझते हैं कि आप बीमार हैं, जो लोग बीमार हैं उनको क्या करना चाहिए. उनको दो काम करना है. नंबर एक, उनको दूसरों को ये बीमारी नहीं फैलानी है, बीमारी फैलने नहीं देनी है, खुद के रिलेटिव्स को और बाहर. और दूसरा, खुद का ट्रीटमेंट कैसे करना है ये बात हम बताएंगे. होम क्वारंटीन किसको करना है और क्वारंटीन कब ख़त्म होगा ये सब हम बताएंगे. सो सबसे पहला स्टेप है, अगर आपको लग रहा है कि आप बीमार हो, चाहे आपको सर्दी है, खांसी है, कोल्ड है, फ्लू है, आपको बुखार है या किसी भी प्रकार के कोल्ड फ्लू का सिम्टम है, तो घर में रहिए. राइट, घर में रहना है. बाहर जाना है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल केयर के लिए. डॉक्टर के पास जाना है तो बाहर जाना है और डॉक्टर को फोन करके बताना है कि मैं आ रहा हूं और मुझे लग रहा है मुझे कोरोना वायरस है, ताकि डॉक्टर प्रोटेक्शन पहने रखे, ताकि आप डॉक्टर को ना दे दो. वेरी इंपॉर्टेंट. तो अपने आपको घर में रखना है और बाहर जा रहे हो तो किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में नहीं जाना है अगर आप बीमार हो तो. दैट इज द थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. और अपने डॉक्टर के टच में रहना है. अगर आपको वो कहता है घर जाओ आराम करो, तो टच में रहना है कि सिम्टम बढ़ रहे हैं, क्या हो रहा है, कोई भी दिक्कत लगती है डॉक्टर को फोन करना है. या फिर जो इमरजेंसी नंबर है, हेल्थ केयर का नंबर, जो इमरजेंसी नंबर दिया गया है, अब एक टोल फ्री नंबर भी आ गया है 1075, उस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं. अब घर के अंदर दूसरों से भी थोड़ा दूर रहना पड़ेगा अगर आप बीमार हो, सर्दी खांसी है, बलगम है, बुखार है, तो एक सिक रूम, एक बीमार रूम बना लो जिसमें ज्यादातर वहां रहो. राइट, दूसरों से 6 फीट यानी 1-2 मीटर की दूरी बना के रखें, 1-2 मीटर की दूरी बना के रखें. जानवरों से दूर रहें. अभी ये पक्का नहीं है कि जानवरों में होगा, जानवरों में नहीं पाया गया अब तक, उनसे नहीं फैला गया अब तक, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा है आप बीमार हो तो जानवरों से दूर रहें. उसके अलावा जैसे मैंने कहा, अगर आप बीमार हैं तो आपको जब भी बाहर जाएं या घर में रहें, दूसरों का ना हो जाए इसलिए फेस मास्क पहने. और फेस मास्क के भी गाइडलाइंस आ गए हैं. फेस मास्क की गाइडलाइंस के वाला वीडियो जरूर देखें. कई लोगों को नहीं, इतना भी नहीं पता कि हर 6-8 घंटे में फेस मास्क चेंज होता है. जी हाँ, तो और चेंज करना पड़ता है. और अगर आप दूसरों के लिए केयर कर रहे हैं तो भी आपको फेस मास्क पहनना पड़ेगा. राइट, और अगर आप खांसी करते हो तो आप अपने मुंह को कवर रखें, नाक को कवर रखें, स्नीजिंग करते हो तो बगल में करें या फेस मास्क पे करें. फेस मास्क को आपने 8 घंटे के बाद, 12 घंटे के बाद में डिस्पोज ऑफ भी करना है. वो कैसे करना है वो फेस मास्क वाले वीडियो में पता चलेगा. हाथ को धोना होते रहना है, आपको पता ही है, साबुन पानी से 20 सेकंड के लिए, उस पर अलग से वीडियो बनाया है, या ऐसे अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइजर से जिसमें 60% अल्कोहल हो मिनिमम. कितनी बार, जब भी आप अपने कोई भी हाथ से काम कर रहे हैं तब, या एक जगह से दूसरी जगह उठ के जा रहे हैं तब, ताकि आप कहीं पर भी बैक्टीरिया छोड़ ना दें. इसीलिए सेफ रूम में रहें अगर आपको लगता है कि आपको वायरस है. और हाथ को जरूर धोना है जब भी आप खांसी कर रहे हो, खाना खा रहे हो, वॉशरूम जा रहे हो, वॉशरूम यूज कर रहे हो. कोशिश करें, अगर आपको लग रहा है आप बीमार हो तो आप सेपरेट वॉशरूम यूज करें अगर आप बीमार हो फिलहाल. और हैंड सैनिटाइजर, सोप के अलावा किसी भी उल्टी सीधी चीज को टच ना करें, जिसको टच करने की जरूरत नहीं है. अवॉइड टचिंग, अपने आंख, नाक, मुंह का, इनको बिल्कुल भी टच ना करें. कोई भी अपनी पर्सनल चीज
जैसे मोबाइल फोन या कोई भी गिलास पानी एक दूसरे को शेयर ना करें। ये जो चीज़ों से शेयर होता है ये फॉर्माइट्स होती है। फॉर्माइट फॉर्माइट मतलब कोई भी चीज़ जो वायरस कैरी कर सकता है। आपके हाथ से हर एक चीज़ में वायरस लग सकता है, चाहे वो पेपर हो या न्यूज़पेपर हो या वो कोई एक गिलास हो, कुछ भी हो, ठीक है। सो हम अगर बीमार समझते हो अपने आप को तो ये सब प्रिकॉशंस लो, ठीक है। और जो हाई टच सर्फेसिस हैं, जैसे कि मोबाइल हो गया या फिर डाइनिंग टेबल हो गया या फिर ऑफिस डेस्क हो गया, जहां आपको लगता है कि आप बार बार टच करते हो, तो उसको क्लीन करते रहिए, उसको रेगुलर क्लीन करते रहिए। अगर आप सेफ अपने रूम में है, अलग है, तब तो ठीक है, अलग सब कॉमन रूम है तब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्लीन करते रहना। और हाउस होल्ड क्लीनर्स और डिसइनफेक्टेंट्स यूज़ करना है उसके लिए हाउस होल्ड क्लीनिंग पे एक अलग वीडियो बनाएंगे, जिसमें आपको समझाएंगे कि घर को क्लीन कैसे करना है। ईपीए रजिस्टर्ड हाउस होल्ड डिसइनफेक्टर्स आते हैं बहुत सारे, उसमें क्या इंग्रेडिएंट होते हैं उसके बारे में आपको बता दिया जाएगा। उसके अलावा अगर आप बीमार हो तो अपने सिम्टम्स को मॉनिटर करना है आपको, आपको मेडिकल अटेंशन सीक करना है, डॉक्टर के पास जाना है, लेकिन डॉक्टर को बता के जाना है कि भाई मुझे कोरोना वायरस हो सकता है इसलिए मैं आपके पास आ रहा हूँ, ठीक है। फेस मास्क पहन के जाना है और अपना इंस्ट्रक्शन फॉलो करना है। अगर कभी भी अगर आपके सिम्टम बढ़ रहे हैं, आपको क्या मॉनिटर करना है? आपको मॉनिटर करना है आपकी दिल की धड़कन, आपको मॉनिटर करना है ब्रीदिंग रेट, रेस्पिरेटरी रेट, आपको मॉनिटर करना है हार्ट रेट, दिल की धड़कन, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, टेम्परेचर, राइट, और सिम्टम्स। इन सबको चाहो तो चार्ट करके रख सकते हो कि कल से अब बेहतर है, वर्स है। वर्स है तो कितना वर्स है, कोई नया सिम्टम आया नहीं आया। अगर डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग या शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ आ रहा है बीच में, तो वो डेंजरस चीज हो सकती है। अगर आपको छाती में दर्द हो रहा है या फिर अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो, कंफ्यूजन हो रहा है, बेहोशी आ रही है, या फिर फेस पे या लिप्स पे नीला नीलापन आ रहा है, नीलापन यानी कि साइनोसिस हो रहा है, तो ये फिर एक इमरजेंसी सिचुएशन है। फिर आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है, इमरजेंसी जाना है, जिसके लिए इमरजेंसी सेवाएं खुली हैं। नॉर्मल ओपीडीज के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ओपीडीज बंद हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अभी ओपीडीज खुली होंगी। जो लोग ये जानते हैं, ये चाहते हैं, समझते हैं कि मुझे कोरोना वायरस इन्फेक्शन है, फ्लू है, उनके लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में भी ओपीडीज, एक ओपीडी खोल के रखी हुई है। और कई सारे हॉस्पिटल्स में आप देखेंगे कि इमरजेंसी के बाहर या कहीं पे ओपीडीज खुली हैं अलग से, जो कि उन्हीं पेशेंट्स के लिए हैं जिनको लग रहा है कि उन्हें कोरोना है। क्योंकि पहले आपको एक डॉक्टर से लिखवाना पड़ता है कि आपको कोरोना वायरस के टेस्टिंग की ज़रूरत है, तब ही आपका टेस्ट होगा। वो टेस्ट गवर्नमेंट के ऑथराइज सेंटर्स पे, गवर्नमेंट ऑथराइज, गवर्नमेंट के डॉक्टर से लिखवा के तब होगा। प्राइवेट डॉक्टर से लिखवाने के बाद आप गवर्नमेंट डॉक्टर के पास जाओगे, वो दिखाओगे, वो लिख के देंगे, तब होगा। सो दैट्स हाउ इट इज। सो इसमें थोड़ा टाइम लगता है। ऐसी जानकारी के लिए आप 1075 टोल फ्री नंबर, हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो। और अगर आप बीमार हो और ठीक हो रहे हो, तो कब तक अपने आप को ऐसे एक कमरे में बंद रखोगे, क्वारंटाइन जिसको कहते हैं, होम क्वारंटाइन कब तक रखोगे? अगर आप होम आइसोलेशन में हो, एक ही कमरे में हो, और आपके कोई टेस्ट हो रहा है, अगर आप पॉजिटिव आ चुके हो, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव आओगे तब आप अलग रह सकते हो, वापस जुड़ सकते हो। अगर तीन चीज हो जाए, नंबर एक अगर आपका टेस्ट हो रहा है तो, नंबर टेस्ट नेगेटिव आ जाए, दूसरा या फिर आपको यू नो लॉन्गर हैव फीवर विदाउट द यूज ऑफ मेडिसिन, राइट, बुखार नहीं आ रहा है और बिना दवाई इस्तेमाल किए बुखार नहीं आ रहा है, और आपके जो सिम्टम्स हैं, सांस फूलना, खांसी इंप्रूव हो रही है, और अगर आपने दो बार नेगेटिव टेस्ट हो चुके हैं 24 घंटे के गैप में, जी हाँ, इतना प्रिकॉशंस लिया जा रहा है, जो पॉजिटिव है उसको नेगेटिव हो जाने के बाद 2 बार नेगेटिव होना चाहिए, पहली बार उसके 24 घंटे के बाद फिर से, और तब फिर उनको छोड़ा जा सकता है, राइट। और जो टेस्ट नहीं करवा रहे हैं, जिनका टेस्ट हुआ नहीं है, जिनको पता नहीं है अभी मुझे है कि नहीं है, उनके लिए गाइडलाइन ये है कि अगर आपको 72 घंटे तक, यानी कि 3 पूरे दिन तक बिना कोई दवाई खाए बुखार नहीं आया है, बिना पैरासिटामोल, ब्रूफेन, पेन, कोई भी पेन किलर या बुखार की दवाई खाए बगैर बुखार नहीं आया है,
तब प्लस अगर आपके सिम्टम इम्प्रूव हो गए हैं, खांसी नहीं है या खांसी कम हो गई है पूरी तरह से, सांस में फूलना बंद हो गया है, और प्लस अगर 7 दिन हो चुके हैं आपके पहला सिम्टम अपियर हुआ था उसके बाद से, तो 7 दिन मिनिमम क्वारंटीन आपका 7 दिन रहेगा। पहली बार सिम्टम आया, 7 दिन क्वारंटीन, 7 दिन बाद आप कर सकते हो। अगर सिम्टम ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, ठीक हो रहे हैं, तो 72 घंटे बिना बुखार के, या आपका और प्लस आपके सिम्टम्स बेटर हो जाए, प्लस मिनिमम 7 दिन हो जाए, तो आप क्वारंटीन बंद कर सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी पेशेंट का केयर कर रहे हो जो के सिक है, बीमार है, तो अगेन आपको उनकी मॉनिटरिंग करनी है और खुद का ख्याल रखना है, खुद के लिए मास्क पहनना है, और उनके पास जब भी जा रहे हाथ धो के जाना है, वापस बाहर निकलते हुए हाथ धो के आना है अपने। मास्क बहुत जरूरी है इसमें, और मास्क को रेगुलर चेंज करना है। कोई भी सॉइल्ड लॉन्ड्री कपड़े हैं उनको भी ग्लव पहन के सॉइल को अपने अलग से उनको एक बार धोना है हर रोज, राइट, जो भी पेशेंट के कपड़े हैं, ठीक है, और आइसोलेशन में उनको रखना है लाइक वी सेड। और यही 3 क्राइटेरियाज हैं सेम आइसोलेशन एंड करने के जो आप करेंगे। अब घर में अपने आप को ट्रीटमेंट क्या देना है आपको, घर में ऑब्वियस सी बात है आप घर से अपना नॉर्मल वर्क कर सकते हैं, अगर आप घर से काम कर सकते हैं तो वेरी इंपॉर्टेंट। सिम्टम्स मॉनिटर करना है, खूब सारा रेस्ट लेना है, खूब सारा पानी पीना है, ये बेसिक है। पानी में आप नारियल पानी, नींबू पानी, फ्रूट जूसेस, ये सब पी सकते हैं, और डॉक्टर ने जो अगर आपने कंसल्ट किया है, डॉक्टर ने बताई गई दवाएं हैं उनको लेना है, ठीक है। उसके अलावा आपने जितना हो सके रेस्ट करना है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको सिम्टम बढ़ते हुए दिखते हैं तो डॉक्टर के पास वापस जाना है। ये 3-4 सिंपल वे है। अगर आपको खांसी है तो आप सिंपल कोई हनी टस का सिरप, कोई यानी शहद वाली चीजें ऐसी ले सकते हो। अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट ट्राई करना चाहते हो तो घर में बनी हुई जो चीजें हैं वो ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और घर का पका खाना चाह सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू। बीटाडीन गार्गल कर सकते हो, स्टीम ले सकते हो, पानी पी सकते हो। सो ये सारे जो होम रेमेडीज हैं, ये कफ वाले वीडियो को आपने देखना है, कफ बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करके, कोल्ड बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए, फीवर बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करिए, उसमें हमने सब बताया है कि उसको कैसे मैनेज करना है। उसको मैनेज करिए और अपने आप को मॉनिटर करिए। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो अपने डॉक्टर से जाके मिलिए, ठीक है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास ये जानकारी पहुंच सके। मेक श्योर टू डू दैट, थैंक यू सो मच। अगले वीडियो को जरूर देखना है जिसमें हम आपको बताएंगे कि टेस्टिंग करवाने का प्रोटोकॉल क्या बनाया गया है।